अच्छा आप लोगों को मैं बताऊं, ब्रज में जो गोपियां थी ना, वो गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी। अन्य पुराणों में ये कथाएं मिलती हैं, ब्रह्म विवेक पुराण में, गर्ग संहिता में ये कथाएं मिलती हैं कि माता जानकी का जब रावण ने हरण किया, बड़े ध्यान से सुना, तो हरण करने के बाद में रावण तो चला गया लंका, भगवान माता की खोज करते करते दंडक वन आए। तो दंडक वन में जितने तपस्वी मनस्वी सिद्ध संत थे, राम के सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गए। कांत भाव सबके मन में आया। भगवान ने कहा तुम सब घोर तपस्या करो, तुम सब ब्रज में गोपी बनोगे। तो दंडक वन के वो बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी संत बड़ी कठोर तपस्या करके ब्रज में आकर के गोपी बने। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने 108 अश्वमेध यज्ञ किए और जब इन कानों के द्वारा भगवान के कथा कीर्तन का श्रवण करना, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है कीर्तन, इस जिब्या के द्वारा परमात्मा का नाम। तीसरी भक्ति है स्मरण, हृदय में ईश्वर का ध्यान करना, चिंतन करना, स्मरण करना। और चौथी भक्ति है पाद सेवन। पाद सेवन भक्ति का अर्थ है कि ठाकुर जी के चरण दबाना, लेकिन भगवान के चरण कहां मिले? तो क्या कर सकते हैं आप लोग? आज दोपहर को कथा से पहले मैंने माताओं को देखा, इस पूरे कथा प्रांगण को बुहार करके साफ किया माताओं। तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगा देना, भगवान के बर्तनों को मांज देना, ये सब पाद सेवन भक्ति का ही अंग है। ये सब पाद सेवन भक्ति। अच्छा, ठाकुर जी के चरणों की भक्ति की बात आई तो मैं आपको सुना हूं, आप लोगों ने सुना होगा, जब शिव का धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ दिया ना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। तो रात का समय और लखनलाल बड़े भाव से राम जी की चरण सेवा कर रहे, लेकिन आज बड़े उदास बैठे। राम ने पूछा कि क्या बात है भैया लखन, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया? लक्ष्मण कहने लगे, भैया आप सब जानते हो, जब तक आपके चरणों की सेवा में ना कर लो, मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब ये आपके चरणों की सेवा का अधिकार मुझसे छिन जाएगा, क्योंकि कल आपका विवाह हो जाएगा और आपके चरणों की सेवा का अधिकार जानकी मैया को मिल जाएगा, मैं रह जाऊंगा, बस प्रभु यही चिंता मुझे खाई जा रही है। अपने विमान में अपनी अपनी देवांगना पत्नियों के साथ बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान लेकर के जा रहे,
सभी मैया ने कहा कि भोलेनाथ जरा मुझे बतावे कि ये सारे विमान कहां जा रहे हैं। भगवान बोले ये देवी सारे विमान तेरे पिता के घर जा रहे हैं। तुम्हारे पिता के घर में एक बड़ा दिव्य उत्सव हो रहा है। सभी बोले कि पिता के घर उत्सव और पिताजी ने हमें नहीं बुलाया। बोले राधे राधे कि तेरे पिता मुझसे अकारण ही द्वेष बांध करके बैठे, शत्रुता मान करके बैठे। सती बोली कि देखो झगड़ा तुम ससुर जमाई के बीच में, मुझे मत घसीटो। मैं तो बेटी हूं और बेटी को बगैर बुलाए पिता के घर जाने का अधिकार होता है। मैं तो अपने पिता के घर जा सकती हूं। भगवान शंकर बोले तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सती घर बुलाए बेटी को पिता के घर जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन पिता के घर में कोई उत्सव हो तो ऐसे समय पर बेटी को बगैर बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। बगैर बुलाए जाएगी तो अपमान ही होगा। लेकिन सती ने भगवान शंकर की एक बात न मानी। भोलेनाथ समझाते समझाते रह गए, लेकिन ये सती भोलेनाथ की आज्ञा की अवहेलना करके और कुछ भगवान शंकर के गणों को साथ में लेकर के सती माता दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। तो यज्ञशाला के बाहर ही इनको इनकी बहन मिल गई, 15 जो बड़ी बहन थी। वो कहने लगी अरे सती तू तो बड़ी बेशरम, तुझको पिताजी ने निमंत्रण तो भेजा नहीं और तू वैसे ही चली गई। अरे हाँ तेरा पति वो शिव कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, भोजन भी नहीं मिलता होगा। यहां 7 दिन यज्ञ चलेगा, भंडारा होगा, कम से कम पेट भर के रोटी तुझे मिलेगी। किया कि वो बिच्छू का तर सांप लटका करके घूमता है, रहने के लिए कोई मकान दुकान बनाया कि पहाड़ पत्थरों में ही पड़े रहते। बड़ा अपमान किया हमें। यही शिक्षा दे रही है जीवन में जो जिन्हें अपना मान करके बैठे, जो हमारे अपने बने बैठे हैं, वो बुरे समय में आपको नीचा दिखाने में चूकने वाले नहीं। बोलो राधे राधे राधे। सती माता ने किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किसी से कुछ नहीं कहा, केवल एक मां ने इनका स्वागत किया और मां इन्हें लेकर के पिता के पास में गई। देखो दक्ष की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई अपनी कन्या को देख करके ना, सती माता को देख करके दक्ष ने पीठ फेर ली, मुफेर के खड़ा हो गया दक्ष। माता बार बार पिता को समझाने का प्रयास करती।